गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अगली कड़ी में आज हम कायदा समझेंगे। कायदा के दो प्रकार हैं, एक क्रिकेट का कायदा है, एक धरती का कायदा है। ये दोनों कायदे की विशेषता यह है कि दोनों प्रारंभिक कायदे हैं, जैसे धाता देते हैं वैसे धाता देके और धाती धाती। ये तीन कायदे तबला सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इन बोलों का अच्छे से अभ्यास ना हो तो बाद में हम अच्छा तबला आगे नहीं बजा सकते। और इसके लिए दस वर्ण और हस्ताधन के बोल और उसके बाद कायदा, ये तीन चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे तबला बजाने की प्रक्रिया को बहुत आगे तक ले जाते हैं और बहुत लंबे समय तक हम क्षमतापूर्वक वादन इसका कर सकते हैं, बजा सकते हैं। तो इसको मैं आपको खाली लिख के इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको बोल याद आ जाए। वैसे आप लोगों ने ये बोल सीखे होंगे, यही कायदा तो सीखा ही होगा, पहला कायदा भी सीखा होगा, ये शायद आपके लिए नया हो सकता है। लेकिन किताबों में भी ये कायदे विस्तार से इसी क्रम में दिए हुए हैं, इसीलिए आपको मैं इस तरह से बता रहा हूँ। और उधर भी इस कायदे से तिहाई जुड़ी हुई है, जो तिहाई आपको पहले भी सीखे होंगे, ठीक है। तो उस तिहाई को भी मैंने ऐसे आपको खाली याद करने के लिए बता दिया है। तो पहला कायदा है धाता त्रिकित धाता तुन्ना, ताता त्रिकित धाता तुन्ना, और दूसरा है धाती धाती धाता दिन्ना, ताती ताती धाता दिन्ना। इन दोनों कायदे को हमको एक गुण दुगुण में बजाना है, और अगर हमारा अच्छा अभ्यास हो तो फिर हम इसको चौगुण में भी ले सकते हैं। लेकिन गंभीरता पूर्वक रियाज करने के लिए हमें इन कायदों को एक गुण दुगुण में अभी कुछ दिन बजाना चाहिए। जब ये बोल हमारे पुष्ट सॉलिड हो जाए उसके बाद ही हमें चौगुण पे इस पर विचार करना चाहिए या सीखना चाहिए या बजाना चाहिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग, कायदा क्या होता है ये आप जानते हैं, ये मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है। कायदा यानी नियम से बजाना, फिर उसके विस्तार को करना, विस्तार यानी उन्हीं बोलों को क्रमबद्ध तरीके से बजाना, और पलटे, पलटे यानी कि उन्हीं कायदे के बोलों को उलट पलट के बजाना। ये तीन चीजें होती हैं, कायदा, विस्तार और पलटा। और विस्तार जैसे होता है उस तरह से पलटा भी बजता है। विस्तार का ही स्वरूप पलटा होता है, जिसको विस्तार को बोलों को उलटते पलटते हैं। और अंत में तिहाई, ये एक संपूर्ण चक्र है, एक सिस्टम है कि जिसमें कायदा के अंदर में सबसे पहले हम लोग कोई उठान या पेशकार या बोल को बजाते हैं, फिर उसके बाद हम कायदा को बजाते हैं, और कायदा को हम क्षमतापूर्वक उसका विस्तार करते हैं। और इन सब विस्तार को बजाने और करने के तरीके को हमको समझना चाहिए। तो आपने एक कायदा सीखा होगा, जैसे दा, दा, दे, दा, दा, कायदा का जो छंद है वो किसी न किसी ताल पर आधारित होता है। जैसे अभी हम लोग जो कायदा सीख रहे हैं वो तीन ताल पर आधारित है, तीन तालों के ऊपर में ही है ये कायदा। इसीलिए जो ठेका का चलन है उस चलन को हम ध्यान रखेंगे, उसी चलन में कायदा बजता है। जैसे धा धिन धिन दा धा धिन धिन दा धा धिन धिन दा ता धिन धिन दा, आपने सीखा होगा धा धा ते टे दा धा तू ना ता ता ते टे धा धा तू ना। उसी तरह से उसी क्रम में जो ते टे की जगह अगर हम तिरकिट लगाएं वो कायदा नंबर दो कहलाता है। जैसे धा धा तिरकिट धा धा तू ना ता ता तिरकिट धा धा तू। ये दूसरा क्रम हुआ, इसमें तेटी की जगह क्रिकेट बजाते हैं। और तीसरा कायदा है धाती धाती धा धा तीना या तुना, जो भी आप बोले, ताती ताती धा धा तीना। तो धाती धाती धा धा तीना या धाती धाती धा धा तुना ताती ती धा धा तुना। तुना और तीना को बजाने का ढंग करीब करीब एक जैसा होता है। कुछ लोग तुना बजाते हैं, लोग तीना बजाते हैं, पर अधिकतर लोग तीना ऐसे ही देते हैं, ठीक है। ये घरानों का अपना अपना है, अपना अपना तरीका है, अपना मूड है। तू आप यहां बजाते हैं,
थोड़ा हल्का नीचे करके ऐसे करके बजाते हैं, ये तरीका है वो, ठीक है। ये मैंने पिछले भी क्लासों में आपको बताया होगा, जैसे दो एकदम बराबर बीच में लेते हैं तो तीन थोड़ा पीछे लेते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग कायदा नंबर टू को समझते हैं। जैसे ये तीनों की जो है वो एक साथ आएगा, जैसे धाधा टेटे बजता है उसी तरह से जो तिरकिट है वो चार वर्णों का बोल है, आपने देखा होगा, ठीक है। ये जो तीनों की जो आप देख रहे हैं वो इस तरह से है, धाधा ताता हम लोग इस तरह से करते हैं, राइट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये बोल एक साथ बजेगा, तो उसी तरह से जब हम इसको करते हैं कि जैसे धाधा, अब ये हमें तिरकिट का अभ्यास पहले कर लेना चाहिए। तिरकिट बजाने के जो सबसे आसान और सरल तरीके हैं वो है कि तीनों उंगली से भी ले सकते हैं, फिर से देखें, ती रा ती रा, फिर से देखें, ठीक है, ती रा ती रा ती रा ती रा ती रा ती रा, ठीक है। अब इसको देखिए, अब हम जब भी बजाएंगे तो धा धा ती रा ती रा, इस छंद को ध्यान रखें, धा धा ती रा ती रा धा धा तू ना में देखा होगा आपने कि पंजाब घराने में
जाकिर हुसैन के घराने में पूरे हाथ की क्रिकेट बजती है, तीनों उंगली को सटा करके उसके घराने में बजती है, पंजाब के लोग बजाते हैं। दिल्ली के अंदर में करेंगे इससे बीच वाले उंगली से, दूसरा तरीका तो क्रिकेट जो बजाने के तरीके अगर बहुत आपको अच्छी स्पीड में बजाना है तो सबसे पहले इस तरह से अभ्यास करना चाहिए। फिर ये दो उंगली से और फिर तीसरा तरीका, इसमें तीनों उंगली अलग अलग होती है। ये थोड़ा कठिन है लेकिन आता है। अब उसके बाद दो उंगली वाला सबसे बेस्ट और आसान बनता है और तीन उंगली वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि क्रिकेट बजाना है आपके हाथ से जो अच्छे से निकले, जिस तरीके से उस तरीके से आप क्रिकेट बजाएं। तो सबसे पहले आपको सबसे सिंपल तरीका है कि तीन उंगली को जोड़ करके स्वर की शुद्धता के लिए हम ध्यान देंगे र की ट। इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। अब हम आइए त्रिकेट कायदे को फिर से एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। अभी तीन उंगली से प्रैक्टिस कीजिए। कुछ दिन के लिए, लेकिन
दादा क्रिकेट दादा तुन्ना दादा क्रिकेट दादा तुन्ना दा दादा क्रिकेट दादा तुन्ना दा दादा क्रिकेट दादा तुन्ना दा ये जो लिखी हुई तिहाई है। अब इसको समझने वाली बात यह है कि ये तिहाई जब भी किसी ताल में बजेगी तो ये दो तरीके से बजती है, या छोटी तिहाई या बड़ी तिहाई। ठीक है, छोटी तिहाई में हम चार मात्रा, आठ मात्रा, बारह मात्रा, सोलह मात्रा, यानी ताल का जो सर्कल है उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। पर जब हम बड़ी तिहाई बनानी हो, बड़ी तिहाई बजानी हो, तो बोलों को हम लोग बड़ा कर लेते हैं, जैसे दादा क्रिकेट दादा तुन्ना। ठीक है, इसको हम दादा क्रिकेट को एक मात्रा मानते हैं, तो दादा क्रिकेट दादा तुन्ना दादा क्रिकेट दादा तुन्ना दा दादा क्रिकेट दादा तुन्ना दा दादा क्रिकेट दादा तुन्ना दा, ये ग्यारह मात्रे का है, तीन बार बजाएंगे सम पे आ जाएगी, आपको जानते हो। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं, जैसे करेंगे चलने लगेगा। ठीक है, और आपका हाथ भी तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।